नहीं ये भैंस का एगो दलाल होता है वो भैंस का फेरा है लो। एक भाई रात के आपके दरवाजा पर गाली लिखवा देगा और दूसरा भाई सवेरे पर पेंटर भेज देगा कि फ्री के कोई पेंट कराना है गलत सही चीज़ तो आप पेंट करा लीजिए वोट तो उनको मिलेगा जो आतंक राज फैला रहे थे जो सड़कों को गड्ढा में तब्दील कर दिया जो आतंक राज में बेटी और बहन घर से नहीं निकलती थी नेता ही बेटा पैदा करता है और ये बेटा नेता को आया है बताने ये तो पता चल जाएगा जब जमानत जब्त हो जाएगा तो सब अपने बीजेपी के एम नवल किशोर यादव और इनसे मेरा सवाल है दो सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं आज जेडी करिए कि दोनों सीट हम ही चुनाव जीतेंगे क्या लगता है होगा जमानत जब्त होगा जमानत दोनों सीट पर जमानतें जब्त होंगी इन लोगों की लड़ाई कांग्रेस मजबूत है कि आर मजबूत है कि और एलायंस पार्टी मजबूत है उसका प्रैक्टिस चल रहा है ये सीट दोनों एन का था है और रहेगा इसलिए इन लोग ज़्यादा दावेदारी वही करते हैं जिनको हारने का डर रहता है लालू यादव को भी कह रहे हैं राजद की ओर से कहा जा रहा है कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब कानूनी खेल खेल रहे हैं और लालू यादव को बिहार आने से रोक रहे हैं अब बिहार कानूनी खेल से बिहार रोक रहे हैं लालू जी आ जाएंगे बिहार में तो क्या हो जाएगा भूचाल हो जाएगा बुझा हुआ दीपक इमेज पर रख देने से पेट्रोमैक्स और भाईपर की तरह लाइट करने लगेगा लालू जी नेता थे अब अभूतपूर्व अभिनेता हैं लालू जी जब थे तब भी बाइस से मिले पर आ गए थे नहीं कौन बात है ये ये सब कोई बात नहीं है ये तरह तरह के प्रपंच अपना ये लोग करते रहते हैं बोलते रहते हैं ये अपना आजमाइश करते रहते हैं इनकी अजमाइश अपने गठबंधन में है उन लोगों का लड़ाई हम लोगों से कहीं नहीं है आप लोग बिजली बत्ती की बात कर रहे हैं डिजिटल दुनिया बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन लालू यादव का जो चुनाव चिन्ह है लालटेन है राजद के कार्यालय में नौ टन का लालटेन बनाया जा रहा है और उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि लालटेन का प्रकाश बिहार का विकास क्या कहेंगे ऐसा है कि लालटेन नौ टन के नहीं वो नौ हज़ार टन के बना ले उसमें तेल रहेगा तब ना किरासन तेल कहीं मिलता है अब इस... तो सी एन जी से चलने वाला सी एन जी से घर में लालटेन जलता है कि किरासन तेल से ये अपना लालटेन जला ले ये अपन घर के तो रोशनी पूरे परिवार का जला ही रहे हैं जनता की रोशनी पैदा करना है ना जनता की रोशनी नीतीश कुमार और एन डी ए ने पैदा कर दिया है और साले रोग रोशनी रोशनीवान हैं ये चकाचक गांव में जो 24 घंटा के 24 घंटा बिजली का जो प्रकाश हो रहा है बुद्ध ने कहा भी कहा था भव अपनी रोशनी स्वयं पैदा करो अब गांव के लोग अपनी रोशनी पैदा कर ली हैं इनको कौन पूछने जा रहा है मेरा सवाल है कि तेजस्वी यादव गए हैं दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार करने लेकिन उन्हीं के बड़े भाई तेज प्रताप यादव हैं जो कांग्रेस का साथ देते नजर आ रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस का प्रचार करने जा रहे हैं क्या लगता है कि महागठबंधन हुए इसमें कुछ नहीं ये भैंस का एगो दलाल होता है वो भैंस का फेरा है लोग एक भाई रात के आपके दरवाजा पर गाली लिखवा देगा और दूसरा भाई सवेरे पर पेंटर भेज देगा कि फ्री के कोई पेंट कराना है गलत सही चीज़ तो आप पेंट करा लीजिए एक सिंपैथी गेन करेगा एक सिंपैथी को भंग करेगा इसलिए ये है बिहार की जनता जानती है बिहार के जनता इन लोगों को पूरे परिवार को कोई नोटिस लेने वाला नहीं है इससे मुक्ति चाहता है और मुक्ति के आधार पर ही हम लोगों को मतदान हो रहा है लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को वोट मांगने का कोई हक ही नहीं है क्योंकि उन्होंने तो विधायकों के ऊपर लाठी डंटा चलवाई विधायकों के लिए हित में कोई ऐसा काम नहीं किया यहाँ तक है कि जनता के हित में भी कोई काम ऐसा नहीं किया। विधायक क्या करते नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं विधायक को माथा पर ले चलने के लिए कहा कि जनता को माथा पर ले चलने के लिए नीतीश कुमार ही नीतीश कुमार को वोट क्यों नहीं मिलेगा क्या किया है फिरौती वसूला है एक नंबर से बैठ के क्या किया है सड़कों को गड्ढा में तब्दील कर दिया है क्या किया है आतंक राज फैलाया है माँ बेटी सड़क पर नहीं निकल रही है गांव में बिजली नहीं लगवाया है सड़क नहीं लगवाया है माँ बहनों के लिए बाथरूम नहीं बनवाया है घर घर में नल का जल नहीं दिया है बेटियों को साइकिल से लेकर नेपकिन तक नहीं दिया है आखिर जब नीतीश कुमार ने ये सारे कार्यों को किया है तो वोट किसको मिलेगा वोट उनको मिलेगा जो आतंक राज फैला रहे थे जो सड़कों को गड्ढा में तब्दील कर दिया जो आतंक राज में बेटी और बहन घर से नहीं निकलती थी एक नंबर से फिरौती वसूलते थे आतंक के साया में लोग जीते थे उसके आधार पर वोट होगा जमानतें जब्त तो होंगी जमानत दोनों सीट पर लेकिन आप नवल जी कह रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे चिराग पासवान भी अर्चन डाले हुए उन्होंने भी कह दिया है कि जेडियू के हर हालत में सीट नहीं जीतनी अरे ये ना पूछे से खेसारी के दाल इन नेताओं की बात कीजिए ना बेटाओं की बात करती हैं आप लोग ये लोग नेता नहीं है ये लोग बेटा है और बेटा नेता को कुछ नहीं बिगाड़ता है नेता ही बेटा पैदा करता है और ये बेटा नेता को आया है बताने ये रिजल्ट तो पता चल जाएगा जब जमानत जब्त हो जाएगा तो सब अपने अपने बाप दादा के घंटी बजाते रहे बिल्कुल तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलसी एल नवल किशोर यादव लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसका परिणाम क्या कुछ आता है इस खबर बस इतना ही देखते रहिए न्यूज फोर्नेशन नमस्कार अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहिए धन्यवाद